इससे पहला जो हमारा सत्र था वो पलायन पर था, तो अपने गांव को अक्सर पल प्रतिपल आप याद करते हैं और आपके बहुत सारे कविताओं में आपकी मातृभूमि, आपकी जन्मभूमि, आपके गांव का जिक्र आता है। जख व्यक्तों का घर छिन भैजी, वक हमारा गांव छिन भैजी, ये इस तरह के बहुत सारी कविताएं आपकी अखिल भारत में चर्चित हैं। जहां जहां आप जाते हैं अपने पहाड़ की प्रतिछाया को अपने साथ ले जाते हैं। बहुत ज्यादा श्री मदन मोहन डुकलान जी के बारे में हम यहाँ पर नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि एक फिल्म के एक्टर के रूप में आपने उन्हें रचनाकार के रूप में, नाट्यकर्मी के रूप में यहाँ पर देखा है, सराहा है। तो बगैर किसी बहुत बड़ी भूमिका के श्री मदन मोहन डुकलान जी के लिए हम लोग ताली बजाएं, ताकि वो अपनी प्रस्तुति को पूरी तन्मयता के साथ, आनंद के साथ प्रस्तुत कर सके। अभी पलायन पर सत्र था और उसमें काफी विस्तृत तरीके से आपने माइग्रेशन के ऊपर इतना अच्छा सत्र में उसका आनंद लिया, जानकारी का। एक कविता उसी के संदर्भ में गढ़वाली में सुनाना चाह रहा हूं कि पलायन से गांव खाली हो चुके हैं और कई वर्षों, कई सालों बाद एक आदमी लौट के गांव जाता है तो वो गांव कैसे महसूस करता है उसकी उपस्थिति को, ये इस कविता में कहने की कोशिश की गई है। गढ़वाली में है, शीर्षक है बरसुबात। कि बरसुबात में घार गो, बरसुबात में घार गो, अरमेर सी कुई बीज गए। बरसुबात में घार गो, अरमेर सी कुड़ी बीज गए, चौक नचन बैठ गए, चौक नचन बैठ गए, सीढ़ी फिकल बैठ गई, चौटी कमे लगे और खिड़की आंख फुरन बैठ गई। कि बस सुबह में कार गो, अरमेर सी कुड़ी बीज गए, चौक नचन बैठ गए, सीढ़ी फिकल बैठ गई, चौटी कमे लगे और खिड़की आंख खुलर बैठ गई। मिन देर थे सेवा लगे, मिन देर थे सेवा लगे, और द्वार अगवाल बटन बैठ गई, और द्वार अगवाल बटन बैठ गई। बस बात कि बस बात में रसोला मगो, रसोई में गया कि बस बात में रसोला मगो, तो रूए में धुआं है सर बैठ गया। बस बात में रसोला मगो, तो रूए में धुआं है सर बैठ गए। दीवार भुग्गी पूरी बैठ गई, ध्रुपड़ी आशीष दिए ले गए, जंगली गीत लगा ले गए, चूल्हा आग भुगान ले गए, और सिलोटा गीच रसे आना गए, मेरी बरसों की भूख कबला ले गए, मेरी बरसों की भूख कबला ले गए। परसों बाद क्या बात कि परसों बाद मी पंद्रह मगो, परसों बाद मी पंद्रह मगो, पानी सिवर जमी छो, बस बात भी पंद्रह मगो, तो पानी सिवर जमी छो, पानी गुम सुम चुपनी छो, मी देखी पानी खकलट कन बैठ गए, मी देखी पानी खकलट कन बैठ गए, पंद्रह हर्षवा आंस गगान ले गए, मी झट छबट लगे, बरसों की तीस बुझे, मेरे जीव छत पथ हो गए, और पंद्रह प्राण पानी पानी हो गए, पंद्रह प्राण पानी पानी। बस बात धन्यवाद। एक हिंदी कविता छोटी सी, शीर्षक है चांद। कि रात की स्याही में अपनी खिड़की से चांद को देखता हूं, रात की स्याही में अपनी खिड़की से चांद को देखता हूं, खिड़की की सलाखों के पीछे जो किसी कैदी सा बादलों की काल कोठरी में टंगा लगता है। कि रात की स्याही में अपनी खिड़की से चांद को देखता हूं, खिड़की की सलाखों के पीछे जो किसी कैदी सा बादलों की काल कोठरी में टंगा लगता है, उसके पीले पड़े चेहरे पर किसी हवलदार का थप्पड़ अपनी छाप छोड़े हैं।
उसके पीले पड़े चेहरे पर किसी हवलदार का थप्पड़ अपनी छाप छोड़े हुए है। मुझे दिन ब दिन डरा डरा सहमा सिकुड़ा नजर आता है ये चांद। क्या बात, शायद वो भी सलाखों के उस पार से सोचता होगा यही सब मेरे बारे में। शायद वो भी सलाखों के उस पार से यही सब सोचता होगा मेरे बारे में। एक आतंक के ऊपर एक कुछ लाइक पंक्तियां हैं कि आदमी शीशा देखता है, आदमी शीशा देखता है, शीशा हंसता है, आदमी का अक्स चटक जाता है। आदमी शीशा देखता है, शीशा हंसता है, आदमी का अक्स चटक जाता है, आदमी डर कर आंख मीचता है, आदमी डर कर आंख मीचता है, शीशे का क्रिच आंख में चुभता है, आदमी डर कर आंख मीचता है, शीशे का किर्च आंख में चुभता है, आदमी पीठ दिखाकर भागता है, आदमी पीठ दिखाकर भागता है, निशब्द शीशा कानों में पिघलता है, आदमी पीठ दिखाकर भागता है, निशब्द शीशा कानों में पिघलता है, शीशा आदमी में उतरता है, आदमी कांच कांच हो जाता है, आदमी कांच कांच हो जाता है। चलो एक थोड़ी सरल सी गरवाली वाली कविता सुनाता हूँ, सबको ज्यादा समझ आ जाएगी। शीर्षक है शुद्धि शुद्धि, कि शुद्धि शुद्धि खामा खा, यह टाइटल है इस कविता का। कि न तू राधा न मी श्याम, न तू राधा न मी श्याम, पैदी तुम्यम फैले हाम, शुद्धि शुद्धि खाम खाम। कि न तू राधा न मी श्याम, पैदी फैले दुन्यम हाम, शुद्धि शुद्धि खाम खाम। कि न मी स्वर्णु सुंदर, कि न ते भर बुद्धि न मी थे ज्ञान, न ते भर बुद्धि न मी थे ज्ञान, पैदी बया हम विद्वान, शुद्धि शुद्धि खाम खाम। कि तिन करे कब म्यारू ख्याल, कि तिन करे कब म्यारू ख्याल, मी मोरू किले प्यारा बान, सुधी सुधी खाम खाम। कि नमी थे बड़ोली न ते थे पराज, नमी थे बड़ोली न ते थे पराज, तेरी तेरी खुद सतान, सुधी सुधी खाम खाम। कि न ते थे फायदा नमी थे लाभ, कि न ते थे फायदा नमी थे लाभ, जिंदगी कनी कन द्योपार, सुधी सुधी खाम खाम। कि जिंदगी हमारी हवा बथो, जिंदगी हमारी हवा बथो, तैरी हम थे कदरा गुमान, सुधी सुधी खाम खाम। कि हुएगे रुमक अछलेगे घाम, हुएगे रुमक अछलेगे घाम, जिंदगी सर गे सर शराब, सुधी सुधी खाम खाम, सुधी सुधी खाम खाम। नहीं, मैं आपको ऐसे सुनाता हूँ गाना मेरे को कि अच्छा धन्यवाद बिल्कुल। कि जग व्यक्तों का ठौछन भैजी, जग व्यक्तों का ठौछन भैजी, वकीत हमारा गौछन भैजी। हम देवभूमि के रहने वाले हैं तो उसके ऊपर है कि जग व्यक्तों का ठौछन भैजी, वकीत हमारा गौछन भैजी। नहीं, मैं ऐसे तरन में नेगी जी और गा चुके हैं तो फिर तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कि जब व्यक्तों का थौछन भैजी, वकित हमारा गौछन भैजी, और बधो लगान जब धार्मा गीत, बधो लगान जब धार्मा गीत, दावा खेलना सरोछन भैजी, जब व्यक्तों का थौछन भैजी। और हमारी सैन्य परंपरा जो उत्तराखंड की है वो हुई दी पंक्ति कि खून चमको हिमालम जो, खून चमको हिमालम जो, हमारा जवानों का लोचन भैजी, जब
व्यक्तों का गौचन भैजी वकित हमारा गौचन भैजी और गंगा जमुना जन जग जिकुरी ये हमारी मातृशक्ति के लिए यहाँ की जो मायादार सुबह की जो महिलाएं उनके लिए कि गंगा जमुना जन जग जिकुरी मायादार सुगोचन भैजी जग व्यक्तों का ठौचन भैजी और जो यहां से माइग्रेट हो गए उनके लिए कि गौ छोड़ी चल गिन जो भी गौ छोड़ी चल गिन जो भी गंगा जी का जोशन भैजी जब व्यक्तों का ठौचन भैजी वकित हमारा गौचन भैजी और एक पंक्ति और उधर कुमाऊं और गढ़वाल की एकता के ऊपर ये पंक्ति है कि देश का क्षण जो शीश मुगोट देश का क्षण जो शीश मुगोट हमारा गढ़ कुमोचन भैजी जब व्यक्तों का ठौचन भैजी वकित हमारा गौचन भैजी धन्यवाद।